नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर के मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी घोषणा, कोरोना काल में काम करने वाले हेल्थ वर्कर को मिलेगा 1 महीने का अतिरिक्त मानदेय। कोविड के दौरान केंद्र की मदद, ऊंट के मुंह में जीरा समान। कोविड महामारी के दौरान काम करने वाले हेल्थ वर्कर को 1 महीने का अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। इसकी घोषणा शुक्रवार को हेल्थ मिनिस्ट्री बन्ना गुप्ता ने विधानसभा में की है। वे बीजेपी के विधायक अमर बावरी के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि सभी को चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है। वही बीजेपी के विधायक राज सिन्हा के एक सवाल के जवाब में हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि कोविड के दौरान पीपी किट और अन्य जरूरी जो उपकरणों की खरीद के लिए केंद्र सरकार से मदद मिली है, लेकिन वो मदद ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर जो है झारखंड से कोरोना को हराएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 26 अप्रैल से होगा मैट्रिक परीक्षार्थियों का मॉक टेस्ट। मैट्रिक परीक्षा 4 मई से होने वाली मुख्य परीक्षा से पहले अपने स्कूल में मॉक टेस्ट देंगे। यह टेस्ट 26 से 30 अप्रैल तक होगा। इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसलिंग प्रश्न पत्र ऑनलाइन जारी करेगी। संशोधित सिलेबस और वर्तमान परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जेएक सचिव महेश सिंह ने गुरुवार को वेबिनार में जो हाईस्कूल शिक्षकों को यह जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दरोगा पर हमले के आरोपी गिरफ्तार। 12 घंटे के अंदर रांची पुलिस ने अपराधियों को दबोचा। वारदात में इस्तेमाल स्कूटी और हथियार भी बरामद। चुटिया थाना में हो रही है पूछताछ। रांची में दरोगा पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची पुलिस की विशेष टीम ने दोनों अपराधियों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी के लिए सिटी डीएसपी अमित कुमार सिन्हा के नेतृत्व में 4 थाना प्रभारियों की एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिन्होंने रात भर छापेमारी की। इनके पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए स्कूटी और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। अपराधियों से चुटिया थाना में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद रांची पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर इसकी जानकारी दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तैयारी, हर पंचायत में नियुक्त होंगे श्रमिक मित्र। राज्य के सभी पंचायतों में एक श्रमिक मित्र नियुक्त होंगे। वही सभी जिलों में युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसकी घोषणा श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने की है। झारखंड विधानसभा में सरकार की ओर से वह जवाब दे रहे थे। श्रमिक मित्र सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लोगों को देंगे, साथ ही उसका लाभ वे कैसे उठा सकते हैं उसका रास्ता भी बताएंगे। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में टला बड़ा हादसा, स्कूल बस में लगी आग, सेना के जवानों ने बुझाई। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र के जो कटियातू आर्मी भर्ती मैदान के समीप स्कूल बस में आज शुक्रवार को अचानक आग लग गई। हालांकि आग लगने से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बस रांची के जो है ऑक्सफोर्ड स्कूल जो है चुटिया की बताई जा रही है। सेना के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए बस में लगी आग बुझाई। जानकारी के अनुसार स्कूल बस बच्चों को घर छोड़कर वापस लौट रही थी। इसी दौरान रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के जो है कुटियातू आर्मी भर्ती मैदान के समीप जो है स्कूल बस में आग लग गई। स्कूल बस में जो है आग लगने पर सैनिकों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाई। इसमें किसी के नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है। अगर बच्चों को ले जाने के दौरान बस में आग लगती तो बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगने का कारण जो है शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शक्ति, झारखंड बंगाल की सीमाएं होंगी सील। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस ने भी विशेष रणनीति बनाई है। बंगाल चुनाव में माओवादी खलल नहीं डाल सके, इसके लिए दोनों राज्यों की पुलिस सीमावर्ती इलाके में संयुक्त अभियान चलाएगी। वही झारखंड के वैसे भाकपा माओवादियों की सूची भी राज्य पुलिस ने तैयार की है जो सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय हैं, साथ ही वे जो है पूर्व में पश्चिम बंगाल में सक्रिय रहे हैं। नक्सल गतिविधियों को लेकर पुलिस एक दूसरे के साथ जो है इंटेलिजेंस भी शेयर करेगी ताकि समय रहते कार्रवाई कर सके। झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाली सीमाओं को पूरी तरह से जो है सील कर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। बंगाल जाने वाले तमाम वाहनों की जांच का निर्देश सीमावर्ती जिलों को दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि झारखंड में मेघा गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका, येलो अलर्ट भी जारी। मौसम वैज्ञानिकों का यह पूर्वानुमान, झारखंड के कई जिलों में आज शुक्रवार शाम से ही हल्के बादल दिखने की संभावना है। 20 मार्च को राज्य के कई जिलों में मेघा गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है, इसलिए मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मार्च से 25 मार्च के बीच राजधानी रांची का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार 20 मार्च को झारखंड के कई जिलों में मेघा गर्जन के साथ वज्रपात
हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो जो है रांची, खुट्टी, गुमला, लोहरदगा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़ में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर, तो झारखंड में एक बार फिर से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। राज्य में मिले 97 कोरोना के केस। झारखंड में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ रहा है। 5 दिनों में ही 383 नए कोरोना के संक्रमित मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 97 नए संक्रमित मिले हैं, जिसमें से जो है 38 रांची और 24 पूर्वी सिंहभूम के हैं। वहीं पश्चिम सिंहभूम में से 10, बोकारो व रामगढ़ से 8, कोडरमा से 3 और जो है देवघर, दुमका, गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा व साहिबगंज से 1-1 संक्रमित मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 146 वेटनरी डॉक्टरों की होगी नियुक्ति। राज्य में 166 वेटनरी डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए जेपीएससी की ओर से 16 अप्रैल 2021 तक आवेदन मांगे गए हैं। कुल 166 पदों में 124 पद रेगुलर नियुक्ति व 42 पद बैकलॉग के लिए निर्धारित है। जो नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2017 से की जाएगी। इसके तहत न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष जबकि अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, BC1 व BC2 के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 38 वर्ष और जो है ST SC के लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई है। जेपीएससी ने 24 मार्च से 16 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना की जांच बढ़ाने का निर्देश। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए झारखंड में सख्ती शुरू हो गई है। स्वास्थ्य सचिव के सोन ने राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर जांच बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अपने पत्र में जांच की धीमी रफ्तार पर आपत्ति भी जताई है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि कई राज्यों में कोरोना केस बढ़ रहे हैं, सूबे में भी संक्रमण के मामले दिन ब दिन में वृद्धि हो रही है, मौजूदा जिलों में जांच की रफ्तार धीमी है या गंभीर मामला है। उन्होंने कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों के साथ जिस किसी में लक्षण दिखे उसकी जांच का निर्देश दिया है। साथ ही संक्रमितों की जो है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के बाद उसके निर्धारित समय के अंदर जांच का भी निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरपीएफ की तत्परता। रांची रेलवे स्टेशन पर पर्स छोड़कर जा रही थी नवादा की महिला। आरपीएफ ने जो है अनाउंस कर याद दिलाया, पर्स में थे 7,700 रुपए कैश। रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की तत्परता एक बार फिर से उन्हें वाहवाही दिला रहा है। लोग उनकी ईमानदारी की मिसाल दे रहे हैं। दरअसल रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान को एक पर्स मिला। पर्स में 7,700 रुपए कैश थे। पर्स मिलने के बाद आरपीएफ ने माइक से इसकी घोषणा कराई। इसके बाद बिहार के नवादा जिले के नोह थाना क्षेत्र के करणपुर की रहने वाली एक महिला जो है साबन खातून आरपीएफ के बूथ पर आई और पर्स पर अपना दाव पेश किया। जांच पड़ताल के बाद महिला को पर्स वापस लौटा दिया गया है। महिला ने बताया कि वह पर्स भूलकर जा रही थी। रांची और हटिया रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ की मेरी सहेली और नन्हे फरिश्ते टीम लगातार यात्रियों की मदद कर रही है। यात्रियों का कोई भी सामान अगर रेलवे स्टेशन या ट्रेन में छूट जाए तो जानकारी मिलने पर उसे ढूंढकर उन्हें लौटाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिकॉर्ड 35,000 केस मिले भारत में, सख्ती बढ़ी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,871 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन में जो है कोरोना के 35,871 मामले जो है 100 दिन में सर्वाधिक है। 6 दिसंबर को जो है संक्रमण के 36,000 जो है 11 नए मामले सामने आए थे। इसके साथ ही संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर अब जो है 1,14,74,605 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान देश में 172 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही मौत की संख्या 1,59,216 हो गई है। जो बीमारी को मात देने वालों की संख्या जो है 1,10,63,025 है। इसी बीच राज्यों में सख्ती और बढ़ा दी गई है। पंजाब में जहां 9 जिलों में रात्रि कर्फ्यू 2 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है, वहीं अहमदाबाद में उधान पार्क बंद एवं बस सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में राशन की दुकानें व जो है पालघर में स्कूल बंद करा दिए गए हैं। केरला, तमिलनाडु, पांडुचेरी आदि राज्यों में पहले से ही जो है पाबंदियों कड़ी की जा चुकी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।